हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे एंड हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी धनतेरस। सो फ्रेंड्स, धनतेरस पे जो भी छोटा मोटा जो पूजा पाठ होती है, छोटी मोटी पूजा पाठ होती है, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंप्लीट किया, फैमिली के और भी लोग हैं, वो भी तो मतलब साथ में होते, तो मम्मी और पापा जी वहाँ जा रखे हैं, वो कल आएंगे, और दीदी गई हैं बद्रीनाथ विष्णु भगवान जी के दर्शन के लिए, तो वो भी कल आएंगे, और बाकी स्कूल गए हैं और कुबेर महाराज जी हैं। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत जो था मेरे से हो पाया, ऐसे मैंने पूजा की, क्योंकि मम्मी से मैंने पूछा था तो मम्मी ने फ़ोन पर ऐसे बताया था कि ऐसे कुबेर महाराज जी को रख के ऐसे पूजा करनी थी। तो यहाँ पर हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर मैंने भगवान जी को प्रसाद भी लगा दिया है, और ये वाला भोग है, तो ये भी मैं पूरे घर में बांट दूँगी। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी भोग दे दिया था, तो उनको भी भोग चढ़ा दिया था। अभी ये उनका पानी है जो ये अर्चन करते हैं, फिर अभी इसमें मिल्क और जो उनका ब्रेकफास्ट होगा वो करेंगे हमारे कान्हा जी। तो बैठे हमारे प्यारे से कान्हा जी, देखो रसगुल्ला ले रखा उन्होंने हाथ में। तो फर्स्ट होते हैं कुबेर महाराज की पूजा, और सेकंड होता है कि आज इवनिंग टाइम में मार्केट में जाके कुछ ना कुछ बर्तन लेके आना होता है, चाहे वो आप तांबे का लाओ, पीतल का लाओ या स्टील का लाओ, ऑल ओवर कोई सा भी मतलब मटेरियल ला सकते हो, पर यह है कि कोई छोटा मोटा चाहे आप छोटा ही लेके आओ, पर बर्तन लेके आना होता है घर पर। तो मम्मी ने मुझे मॉर्निंग में फ़ोन किया था, बोला था कि इवनिंग में जाके कुछ भी मतलब जो तुम लोगों को समझ में लेके आता है थोड़ा बहुत लेके आना। तो अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, पर नेक है करना है, तो मैं देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, पर जो भी लेके आऊँगी थोड़ा बहुत ही लेके आऊँगी, पर जो भी लेके आऊँगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिए और देखते रहिए। सो हम जा रहे हैं अभी मार्केट, दीदी भी आ रही है ऊपर से, दीदी बता रहा मैंने गई थी, दीदी भी आ गई है ऊपर से, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो सबसे पहले गई मैं फ़ोन की शॉप पे, क्योंकि मेरे फ़ोन का टेम्पल ख़राब हो गया था और मुझे कवर भी चाहिए था बैक साइड का, तो मुझे दोनों चीज़ चाहिए थी। तो मुझे पता था कि इवनिंग टाइम मतलब जैसे रात होती जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैंने सबसे पहले यही वाला काम करवाया। नेक्स्ट यहाँ पे हम गए बर्तन की शॉप पे, तो यहाँ पे स्टील के थे पहले, फिर उसके बाद हम पीतल देख रहे थे। तो पीतल में हमने पहले दादी के लिए ऐसे वेल ली, घंटी ली उनके मंदिर के लिए, फिर यहाँ पे मुझे ना एक बारी में देखते कि साथ ही पसंद आ गए थे ये पीतल वाले गिलास, तो मैंने आप आगे ब्लॉग में बने रहिए, फिर आप देखना मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज धनतेरस पे। तो फिर देखिए आप, अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं थी मार्केट में, क्योंकि हम टाइम से आए थे, अगर थोड़ा और जैसे लेट आते तो काफ़ी भीड़ होती, और हो भी रही थी जब तक हम घर वापस आ रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी बहुत। नेक्स्ट यहाँ पे हम डेकोरेशन की शॉप पे गए, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही थी डेकोरेशन के लिए। सेकंड यहाँ पे वाटर कैंडल थे, तो ये शैल वाले कैंडल थे, तो इनको वाटर में डिप करना था, तो ये ऐसे जल रहे थे मतलब, पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यूज़फुल नहीं होता, एक दिन के लिए ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे रंगोली के लिए मैं कलर देख रही थी, बट सारे कलर कंटेनर में मिल रहे थे, और यहाँ पे ये अंग्रेज मुझसे पूछ रही थी कि ये रंगोली है, तो मैंने कहा ये रंगोली है, तो फिर ये मुझसे बात कर रही थी, तो मुझे भी थोड़ा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ा जो चीज़ें थी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सारा सामान ले लिया था, तो हमने लगाई अब रेस्टोरेंट की दौड़, सोचा कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू भी लेने थे दो, और फिर हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर गुनगुन मेन्यू चेक कर रही थी, फिर गुनगुन ने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मंगाया, मैंने बर्गर मंगाया, तो फटाफट से बस इसको फिनिश करके सीधा जाएंगे घर। सो गाइज, अभी हम पहुँच गए हैं किड बैंड पे, और सामान ले लिया, आप देख सकते हो इतना सामान है कि उठाया भी नहीं जा रहा है, लाया भी नहीं आधा सामान, बस ये हम पहुँच चुके हैं घर, बहुत काफ़ी लेट तो नहीं हुआ, बट हम ठीक टाइम पे घर पहुँच चुके हैं। बट आजकल दिन इतने छोटा है कि ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। सो दीदी अभी वहाँ दादी से बात करने लग गई है। तो चलिए फ्रेंड, हम आ गए अब घर, और मुझे घर आके मिला एक सरप्राइज, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और सरप्राइज़ के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आंटी धोरी अपने बर्तन, आंटी हो गया लेट बर्तन धोने में, और यहाँ सरप्राइज ये रहा, ये आ गई रूपाली दीदी,
तो रूपाली दीदी, मैंने आपको बताया था कि रूपाली दीदी बद्रीनाथ गई है, तो जैसे हम मार्केट से आए देखा तो दीदी बैठ रखी थी, कब पता नहीं कब आई। कैसे रहे तेरे दर्शन? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या लाई थी हमारे लिए? तो मैं आप सबको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि दीदी क्या लेके आई है, मतलब आप लोग को भी अच्छा लगेगा देखना आप भी आगे। और ये दीदी पी रही है चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग आ गए थे घर, और तो मैंने सोचा आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैं जो भी लेके आऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैं बताती हूँ। तो उससे पहले दीदी, मैंने आपको बताया था दीदी बद्रीनाथ गई है, तो वो वहाँ से प्रसाद लेके आई है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कितना, मतलब मैं अभी तक जो दिवाली का सामान लेके आई हूँ ना, तो मुझे घर आके इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला है दीदी, मतलब लक्ष्मी नारायण की इतनी प्यारी स्टैचू लेके आई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और थोड़ा बाहर की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, वो आपको पता है दिवाली का फेस्टिवल है परसों, तो पटाखे तो अभी से स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी। तो मैं आपको दिवाली का प्रसाद, वो मैं आपको बद्रीनाथ कर जाती हूँ लेके आई है। वो कुछ ऐसे बैग मिलते हैं वहाँ पे, तो ये वहीं का हैम्पर है, तो ऐसे मिलते हैं, तो इसमें प्रसाद है। अभी दीदी शायद बॉक्सेस लेके आई हैं, देखते हैं किस किस के बॉक्सेस में, बट बहुत आई एम सो लक्की कि हमारे यहाँ धनतेरस पे बद्री विशाल जी का प्रसाद आया है। और नेक्स्ट ये वाली थैली भी वहीं की है, तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि बद्री विशाल की बाबा की, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी बद्री विशाल बाबा की स्टैचू बन रही है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, तो इसमें सबसे पहले वाओ, सच में जब दीदी ने मुझे दिखाया ना, मुझे इतना मतलब मन ऐसा हो गया ना धनतेरस वाले दिन, वाओ यार इससे अच्छी चीज़ मैं भी नहीं लाई अभी तक मार्केट से। और तो देखिए आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, तो कर लीजिएगा आप लोग भी दर्शन। सच में मतलब स्टैचू कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर सामने पे ना ऐसे हो रहा है कि सामने पे ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी नारायण जी आ गए। आपको एक बार और दर्शन कराती हूँ, कवर अप कर देती हूँ क्योंकि मम्मी आएंगी कल, तो मम्मी को दिखाएंगे, उसके बाद दिवाली पे करते हैं ना पूजा, तो दिवाली पे लक्ष्मी नारायण को निकालते हैं। ये बद्रीनाथ से आया, अभी मैं जब मार्केट गई थी ना तो मेरे को वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलर्स दिख रहे थे, तो मैंने सोचा ले लूँ, तो मैंने कहा यार मम्मी ने ऑलरेडी मतलब हर दिवाली पे वही आता था, तांबा पीतल के कलर्स आते थे, स्टील के भी हैं, तो मैंने सोचा इग्नोर कर दिया था, नहीं लेके आए। पर जब मैं ऑटोमेटिक घर में आई तो एक बद्री विशाल जी को देख के खुश हो गई। सेकंड ये पीतल का था कलर्स, तो उस पर जो उसका वर्क हो रखा था ना ये पीतल का है, तो सच में अब मैं किसी भी टेम्पल में जाऊँगी ना तो ऐसे करने के लिए ये वाला कलर्स लेके जाऊँगी। तो देखिए अच्छा हैवी भी काफ़ी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसमें तो कुछ ऐसे वहाँ के बैंड्स मिलते हैं ना, वैन वगैरह, और ये ऐसे मम्मी के लिए सिंदूर, तो ऐसे हाँ। और ये शायद दीदी अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए ना ऐसे लेके आई, आदियोगी महाराज बोलते हैं उनको, तो ये आदियोगी महाराज है, तो भोलेनाथ जी है हमारे फेवरेट डिवाइंस। तो चलिए ये वाले तो मैंने आपको दिखाए, तो जो जो मैं आपको दिखाती जाऊँगी चीज़ में साइड कर दूँगी, ठीक है। तो और सेकंड बैग है ये वाला, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वाली बैग्स हैं, ये वाली बैग्स हैं, और ये वाली बॉक्स है, ऐसे ही है, कुछ इसमें ऐसे प्रसाद टाइप का जिसमें चढ़ाया होगा ना, तो वो प्रसाद है इसमें। और ये शायद अभी भाभी के लिए हैं, और दादी के लिए, चाचा के लिए, और शायद वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करेगी, तो ठीक है। कुछ हम थोड़ा अगल बगल में रहते हैं दादा दादी लोग, तो उन लोगों को भी देते हैं। तो चलिए, तो दादी का सरप्राइज जो धनतेरस हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या लेके आई, जिसके लिए मैंने आपको मॉर्निंग से अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, तो मैंने ऐसे कुछ लेके आई थी ऐसे। तो चलिए आप, मैं क्या मार्केट से लेके आई हूँ मैं दिखाती हूँ। तो मैं तो क्या लेके आई हूँ, आपको पता है दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली लेके आई हूँ, तो ये है और ऐसे है मोम के लिए कपड़े, ठीक। तो अभी मैं दो दो एक्स्ट्रा, मतलब एक तो ठीक है, पर एक्स्ट्रा क्यों लेके आई हूँ मैं आपको बता दूँ, वो दादी के लिए लेके आई हूँ एक्स्ट्रा, और ये ऐसे खिलौने होते ही बता सकते हैं। और ये पीठा है, और मुझे हंसी के बारे में बताओ, कितना गुनगुन सामने से नाच के मुझे ना हंसा के हंसा रही है, मतलब दिखाऊं मैं आपको। तो ये मुझे ऐसे परेशान करती, जैसे कि मेरे को हंसी आया, मेरे ब्लॉगिंग खराब। तो ये तो प्रसाद था, शायद कम है तो कम पड़ेगा, तो कल छोटी दिवाली है तो कल लेके आ जाएंगे, तो ये भी हुआ। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी यही था। और ये ऐसे कैंडल वगैरह थे, कैंडल हो गए, और आप लोगों को दिखाऊं जल्दी से, और ये भी पैसा वगैरह थे। और मैं आपको बताऊं कि जो धनतेरस पे शुभ होता है, तो मैं आपसे कहता कि
कुछ भी बर्तन लाना है तो मैं लेके आई हूँ ऐसे पीतल का गिलास। तो ये मुझे ना मतलब एक बारी एक नज़र में देखते ही फर्स्ट टाइम देखते मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं इसको लेके आई। अभी आप समझो ये पीतल का है और ये हैवी भी काफ़ी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसकी अमाउंट कितनी होगी, होल मार्क भी है इसमें। तो देखिए इतना प्यारा सा था ना, ये बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया सर में, तभी मैं इसको ले आई। मैं लेके आने वाली थी दो, पर इसकी रेंज इतनी हैवी, मैं लेके आने वाली थी दो पर इसकी रेंज इतनी हैवी थी कि मैं शरीर नहीं ला पाई, क्योंकि अब मम्मी होती तो बोलती थी मम्मी आई कल, तो अच्छा लगा मुझे तो लेके आई। और सेकंड थी यहाँ पे ये छोटी सी बेल थी, क्योंकि दादी ने बोला था कि उनकी बेल मतलब तोड़ गई थी ना गिर के, तो दादी ने लेके आना, तो मुझे ना वहाँ पे मतलब इतनी बड़ी बड़ी थी, तो आज मार्केट में मतलब सारा सामान छट गया था, तो फिर यही मिला मुझे, मैं ये लेके आई। और नेक्स्ट ये दो कटोरियाँ, तो मुझे ये बेच लगा इनके अंदर वर्क देखिए, तो ऐसे वर्क था और ऐसे बाहर से भी वर्क था। तो ये ना मैं आपको बता दूँ अंदर पीतल का वर्क है और बाहर से ये मोटी वाली स्टाइल होती है ना वो है, और अंदर से बाहर से भी ये पीतल का वर्क है, तो मुझे भी अच्छी लगी थी। मैं ये थी बट मैं ली क्योंकि धनतेरस था और टाइम पर लेते रहते हैं, पर धनतेरस तो मैं सोचती हूँ दो ये लेके आई। और आगे बैठी हमें तो बैठ, और ये क्या बोलते थे, थाली कुछ करके बोलते हैं, ये है फाइव स्टेज वाली थाली, तो मुझे ये अच्छी लगी, अच्छी लगी थी, काफ़ी बड़ी यही थी मार्केट में, मतलब छोटी थी पर ये सबसे बड़ी थी, तो मुझे अच्छी लगी। बहुत हैवी पर सब मतलब प्राइस बहुत हैवी था, पर ये कि मैं को लेके आना था तो मैं लेके आई। तो मैं इसको क्या टेस्ट ये लगा होगा, इसको भी यही पसंद आया, मुनमुन को भी यही पसंद आया, बहुत कम शॉपिंग थी जो दीदी लाई, वो भी कुछ नहीं है जो मैं ले गई, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुनगुन ने इतनी अच्छी इतनी महंगी शॉपिंग कर ली कि शायद अगली दिवाली भी हमको थोड़ा से बजट से बाहर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ सामान में एकदम वैसे हो गई थी कि बाबा क्या क्या लूँ, इतना सारा था बहुत सारा, तो गुनगुन लेके आई पता वहाँ से ये दो चीज़ इतनी महंगी, सब मतलब इतनी महंगी शॉपिंग की इसने कि मेरे मुँह में शब्द ही नहीं आ रहे हैं। ये दो लेने गई, मैंने पता नहीं कुछ अलग सा देख लिया उसने इस दिवाली, कुछ अच्छा बम देख लिया उसने, ये लेने गई ये, और मैं वहाँ बाहर खड़ी इसका वेट कर देखा तो ये ला रही कितने बहुत बड़ी 20-20 के एक नहीं, दिवाली के बाद जाती तो यही इसको 5-5 रुपये मिलते हाँ। अच्छा देखने ये सबसे अब तक की सबसे हैवी हमारी शॉपिंग करी तो कुछ भी नहीं है, सबसे हैवी इसकी शॉपिंग है, गरीब लोगों को। और कुछ ऐसे दिए थे तो मतलब हमारे यहाँ दिए पहले भी रखे थे नए, तो नेक करना था तो नेक में मैं ये वाले दिए लेके आई थी, तो ज़्यादा नहीं थे 21 थे शायद, और मुझे रंगोली बनानी थी, तो रंगोली के लिए जो रंगोली कंटेनर चल रहे हैं ना आजकल, तो उसके लिए ना आज मार्केट में ऐसे अवेलेबल हो रखे हैं, इन्हीं में कलर है तो इन्हीं के कंटेनर से ऐसे रंगोली बनानी है, तो दो ये लेके आई थी और बाकी कलर्स लेके आई थी क्योंकि इनको, और मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रंगोली थी तो एक यहाँ मतलब जहाँ लक्ष्मी पूजा होगी वहाँ के लिए थी, एक दादी के घर के लिए थी, और जो मतलब मैं बाहर बालकनी में बनाती हूँ वो मैं खुद से बनाती हूँ, तो वो मैं आपको दिवाली के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये थे दिवाली के रंगोली के कलर, इसमें सारे कलर हैं, इसने क्या करा था सर गुनगुन ने, इसमें क्या किया रेड कम पिंक कम ग्रीन 5-6 एक साथ, ग्रीन का ज़्यादा वो होता है ना पिंक, और ये इस बार बहुत मतलब ना इस बार बहुत सारे वो आ रहे थे डिज़ाइन, तो मैंने कहा इस बार ये वाली रंगोली लेके जाते हैं सबसे प्यारी, मुझे सबसे सिंपल सबसे प्यारी लगी रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें कलर में, तो एक दादी की है एक हमारी है, और हमको देख के बहुत से लोगों ने यही कलर किया था, जब हमने ये निकाला ना तो सबने कहा ये मतलब सबको ये चले। और ये थे लक्ष्मी माता के छोटे छोटे से पैर क्योंकि मैचिंग है, और ये गोल वाले राउंड में सर्कल टाइप के थे, और ये थे दादी के लिए थे, तो अभी मम्मी आएंगी कल तो मम्मी दादी को देखे आएंगी, और ये कुछ दादी के लिए कैंडल थी मतलब दादी के रूम के लिए, बस देखें देखें, और इसमें भी ना अब ख़त्म हो गया, और बाकी ये ना बताशेट है मतलब मिठाई है, और ये रंगोली के पैकेट है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो धनतेरस पे लाते हैं घर में वो है ये दो चीज झाड़ू, तो ये प्लास्टिक वाली झाड़ू है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितने तक का इसका मतलब अमाउंट होगा, बहुत महंगी झाड़ू है, मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना ये मतलब कितने की झाड़ू होगी मार्केट में, और आज धनतेरस के टाइम पे आपके यहाँ कितने की मिल रही है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये कितने की थी। और ये सीख वाली खैर इसका तो क्या पूछना, सबके यहाँ नॉर्मली रहता है इसका, तो ये कितने की थी, किसी को इज्जत नहीं, इज्जत दोनों की है बाबा, वो खत्म हो जाए तो यही आती काम,
कितने की थी? हंड्रेड की थी शायद। झाड़ू ऐसे करके ले जा रहे थे तो कितनी बार तो इस पर लगी, कितनी बार मेरे पे लगी, सब पे और हमारी झाड़ू ऐसे नहीं कि हमने किसी बीमारी मारी भी ना, ऐसे चलते चलते किसी पे भी लग गई ऐसे करके। तो अभी ये सारा सामान मैं ऐसे ही मंदिर में रख दूंगी, थोड़ा झाड़ू को अलग से रखूंगी क्योंकि कल मम्मी आ जाएगी मॉर्निंग में, तो मम्मी को पता होगा इन चीज़ों का क्या करना है पूजा पाठ में। तो चलिए, तो मैं जो भी मार्केट से लेके आई हूँ धनतेरस पे, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने आप लोगों के साथ, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके साथ बद्रीनाथ का प्रसाद भी शेयर करूंगी, पर मैंने आपको लक्ष्मी नारायण के दर्शन कराए हैं, तो कराए हैं, तो मेरे को खुद नहीं मालूम था कि मैं भी करूंगी, ये भी करेगी और आप सब भी करेंगे। तो सब बोलिए बद्री विशाल की जय हो। और चलिए चलो करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक कमेंट, मतलब मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा दिवाली की शॉपिंग कर ली ना, पता नहीं है कि नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ का आएगा। तो चलिए अभी ये मत समझना कि मैं अब रजाई निकालूंगी, कंबल निकालूंगी और सो जाऊंगी, नहीं, दीदी अभी आई है, मम्मी आई कल, तो अभी मैं सब सामान को पैक करके मंदिर में रख दूंगी और अभी मैं कपड़े चेंज करूंगी और ये मैडम कंबल डालेगी, सो जाएगी और मैं जाऊंगी किचन में रोटी बनाऊंगी और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अभी मत बोलना हमें सुना रही है कि पनीर की सब्जी बनानी नहीं आज बन रहा है, क्योंकि वो मेरे को बनाने में ईजी लगता है। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड, आप लोगों को हंसी आएगी तो आती रहे। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।